हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं सनशाइन विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं कि और ये भी है कि कोविड-19 में इसका डेथ रेट बाय विटामिन डी लेवल क्या कैसे हुआ और कैसे कैसे कमी हुई, नॉर्मल इनसफिशिएंट और डेफिशिएंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। देन सनशाइन विटामिन किसके लिए फायदेमंद है, किसके लिए नुकसानदेह है और किसके लिए कितना जरूरत है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं सनशाइन विटामिन के बारे में। देन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो सोर्स है, पहले पढ़ लेते हैं सोर्स। SSRN स्टडी ऑफ 780 इंडोनेशियन पेशेंट विद कंफर्म कोविड-19। ये जो डाटा लिया गया है, हाउ सनशाइन विटामिन कर्स द रिस्क को कैसे कम करता है, सनशाइन विटामिन कैसे कम करता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। देन ये जो इंडोनेशियन जो पेशेंट निकले थे, 780 इंडोनेशियन पेशेंट कोरोना का, उसमें देखा गया विटामिन के बारे में नॉर्मल 4.1 थे, इनसफिशियंट था 87.8 और डिफिशियंट था 98.9। तो ये कैसे कम करता है रिस्क को उसके बारे में हम जानेंगे। ये विटामिन डी कहाँ से मिलेगा, रेड मीट से मिलता है, एक से ऑयली फिश एंड लीवर से आपको क्या मिलता है, सनशाइन विटामिन मिलते हैं। और इसको थोड़ा सा भी हम डिटेल में बात करें तो देखिए, नो अबाउट सनशाइन विटामिन। विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स बिकॉज इट्स हेल्प द बॉडी विच कैल्शियम फ्रॉम द डाइट। आवर बॉडी डोंट मेक विटामिन डी, सो वी हैव टू गेट इट फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। द प्राइमरी सोर्स ऑफ विटामिन डी इज द सन, बट वी कैन आल्सो गेट इट फ्रॉम सम फूड। ये डायरेक्ट सन से भी मिलता है और क्या बोलता है हमें, इसे कुछ खाद्य पदार्थों से भी मिलता है। जैसे कि हिंदी में बात करूं, मजबूत हड्डियों के लिए विटामिन डी आवश्यक है क्योंकि ये शरीर का आहार से कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है। हमारे शरीर विटामिन डी नहीं बनाते हैं, इसलिए हमें इसे अपने पर्यावरण से प्राप्त करना होगा। विटामिन डी का प्राथमिक स्रोत सूरज है, लेकिन हम इसे कुछ खाद्य पदार्थों से भी प्राप्त कर सकते हैं। देन बात करें कि हु एट रिस्क ऑफ विटामिन डी डिफिशियंसी से कौन कौन रिस्क पे है। लाइफ स्टाइल, रेस, एज एंड अदर फैक्टर्स कैन पुट ऑन रिस्क विटामिन डी डिफिशियंसी। लर्न अबाउट द रिस्क फैक्टर्स एज फॉलोज। यू अवॉइड सिटिंग अंडर सन, मेनी पीपल डोंट गेट एनफ। जिसको क्या करते हैं, जो धूप के अंदर बैठना पसंद नहीं करते हैं, उनको क्या होता है, वो आदमी रिस्क रहता है। यू ईट अ वेगन डाइट, इफ यू ईट अ वेगन डाइट यू आर नॉट कंज्यूमिंग एनिमल फूड्स, सो यू मे एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेफिशिएंसी। यू कैन ईट फ्रूट फ्राइड फूड्स सच एज सीरियल्स एंड ऑरेंज जूस, बट दे मे नॉट सप्लाई इन डेली बेसिस। यू हैव डार्क स्किन, द मोर मेलन यू हैव इन योर स्किन द डार्कर इट इज मेलन रिड्यूसिंग द स्किन एबिलिटी। तो कहेंगे डार्क पड़ता है स्किन, तो मतलब आपको मेलानिन है ना, वो प्रोड्यूस करता है जो है, तो जो कि विटामिन डी से मिलता है। यू आर ओवर द एज ऑफ 65, इन केस ऑफ पर्सन ऑफ 65 ईयर ओल्ड गेट रेगुलर सन एक्सपोजर, देयर स्किन प्रोड्यूसेस 75% लेस विटामिन डी देन यंग एडल्ट्स बिकॉज दे हैव थिनर स्किन देन यंगर पीपल। ठीक है, यू आर ऑब्जर्व यू हैव अ डाइजेस्टिव डिजीज, यू हैव क्रोनिक किडनी डिजीज, इन्फेक्टेड एंड प्रेग्नेंट वुमन्स के लिए क्या है, ये लोग रिस्क पे है। यदि इसी तरह मैं हिंदी में बात करूं तो विटामिन डी का जोखिम किस किस को है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, जो सूर्य के नीचे बैठने से बचते हैं, कुछ लोगों के लिए सर्दियों के दौरान सूर्य से पर्याप्त विटामिन डी प्राप्त करना भी मुश्किल होता है। आप शाकाहारी भोजन खाते हैं, जब शाकाहारी भोजन खाते हैं तो आप पशु खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करते, इसलिए आपको कमी का अधिक खतरा हो सकता है। आप गढ़ वाले खाद्य पदार्थ खा सकते हैं, जैसे अनाज और संतरे का रस, लेकिन ये दैनिक आधार पर पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर सकते हैं। आपकी त्वचा गहरी है, आपकी त्वचा में जितनी अधिक मेलानिन होती है उतनी ही गहरी होती है। मेलानिन सूर्य से विटामिन डी बनाने की त्वचा की क्षमता को कम करता है। आप 65 से उम्र के हैं, 65 से उम्र आयु के व्यक्ति को नियमित रूप से धूप में निकलने की समस्या होती है। उनकी त्वचा युवा वयस्कों में तुलना 75% कम विटामिन डी का उत्पादन करती है, लेकिन उनकी उम्र युवा लोगों की तुलना में पतली होती है। आप मोटे हैं, यदि मोटे हैं तो अमेरिका जनरल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में एक अध्ययन पाएगा कि मोटे लोग विटामिन डी कम जैव उपलब्ध करते हैं। आपको पाचन संबंधी बीमारी है, क्रोहन रोग जैसे रोग शरीर के खाद्य स्रोतों से विटामिन डी को अवशोषित करना मुश्किल बना सकते हैं। आपके गुर्दे की पुरानी बीमारी, यदि आपको ये बीमारी है तो आपको अपने शरीर में विटामिन डी को अवशोषित करने और उपयोग करने में अधिक कठिनाई हो सकती है। विटामिन डी को खुराक लेने की आवश्यकता हो सकती है। शिशु और गर्भवती महिलाओं, मानव स्तन के दूध में विटामिन डी का स्तर कम होता है। गर्भावस्था से संबंधित उच्च बीपी वाली महिलाओं का विटामिन डी का रक्त स्तर कम होता है। ये सब विटामिन डी की कमी के सबसे सारे जोखिम है। देन विटामिन डी की कमी के लिए शरीर संकेतक क्या करती है, बॉडी इंडिकेटर्स ऑफ विटामिन डी एफिशिएंसी क्या क्या
क्या जरूरत पड़ती है, आपको लगता है विटामिन डी की हो सकता है, विटामिन डी की कमी हो रही है, अधिकांश लोग इसकी जानकारी नहीं होती है। यदि आपको विटामिन डी कमी होती है तो आप अनुभव कर सकते हैं मांसपेशियों जोड़ों में दर्द और कमजोरी, हड्डी में दर्द, थकान, ठीक है, ट्रिनेस और फैटिस, डिप्रेशन, कम प्रतिरक्षा और नींद की समस्या। ये आपको इतने क्या होगा, विटामिन डी की विटामिन डी कमी होगी तो आप महसूस कर सकते, ये सारी बीमारी आपको होती है, आपको महसूस करते हैं अपने शरीर में, तो समझ लीजिए आपको विटामिन डी की कमी है। ठीक है, विटामिन डी की कमी का इलाज कैसे करें, इसका इलाज कैसे करें, सन बात नहीं, अपनी नंगी त्वचा का धूप में निकालें, सही खाद्य पदार्थ खाएं, कुछ खाद्य पदार्थ विटामिन डी के अच्छे प्राकृतिक स्रोत, सबसे अच्छा विकल्प पशु खाद्य पदार्थ है, जैसे कि वसा युक्त मछली और मछली के जिगर के तेल, बीफ जिगर, पनीर और अंडे की जर्दी भी कम मात्रा में होते हैं। विटामिन डी थ्री अनुपूरक, वैज्ञानिकों ने पाया कि अधिकांश खाद्य पदार्थों में विटामिन डी का स्तर एक कमी को ठीक करने के लिए बहुत कम है। विटामिन डी कमी के लिए मानक उपचार पूरक है, सही खुराक के लिए अपने चिकित्सक से परामर्श करें, डॉक्टर से 800 से 2000 आयु अंतरराष्ट्रीय इकाइयों के दैनिक खुराक के साथ विटामिन डी थ्री के साथ पूरकता का सिफारिश करते हैं। यदि आप विटामिन डी पूरक ले रहे हैं तो इसे हमेशा ऐसे भोजन के साथ में जिसमें सर्वोत्तम अवशोषण के लिए वसा है, इस तरह से आप अपने शरीर में विटामिन डी की कमी को पहचान पाएंगे और उसका इलाज भी कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा धूप में निकले, सन बात लें, ताकि विटामिन डी की कमी ना हो। यदि विटामिन डी को आपको पता नहीं चलता क्या विटामिन डी की कमी हो रही है, तो जो चीज में दिखाया गया है, तीन चार बीमारी दिखाई गई है, यदि आपको ऐसा महसूस होता है तो आप समझ लीजिए कि आपको विटामिन डी की कमी है। और विटामिन डी को कैसे पूरा करें वो भी मैंने बता दिया। तो सनशाइन विटामिन लेना मानव काल में जीवन में बहुत जरूरी है, तो प्लीज आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और विटामिन डी का भी, सनशाइन विटामिन का भी फॉलो सेवन करें।